लखीमपुर खीरी की कोतवाली पलिया कला अवैध खनन पर चला सीओ राकेश नायक का चाबुक। अतरिया में घरों में डंप कर रखी गई थी 500 ट्रालियों के लगभग बालू बरामद। पलिया कला क्षेत्र में हो रहे खनन की शिकायत के बाद पुलिस ने बिछाया जाल। सीओ राकेश नायक कोतवाल विद्याशंकर शुक्ल ने रात 2 बजे से कर रखी थी बालू माफियाओं को रंगे हाथों पकड़ने के लिए नाकाबंदी। सुबह 2:30 बजे के करीब पलिया से बालू खाली कर जा रही ट्रॉली का पीछा करने पर ट्रॉलियां पलिया थाना क्षेत्र के अतरिया गांव में पहुंची। पीछे घात लगाकर चल रही पुलिस ने मौके पर जाकर ट्रॉलियां बरामद की, साथ ही डंप बालू का बड़ा स्टॉक किया बरामद। पुलिस ने मौके से 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी बरामद की जिन्हें थाने ले जाया गया। सीओ राकेश नायक के अनुसार काफी समय से खनन की शिकायत मिल रही थी जिस पर छापेमारी में बालू का बड़ा स्टॉक बरामद हुआ है। लगभग 500 ट्रॉलियां बालू पलिया थाना क्षेत्र के ग्राम अतरिया में डंप की गई थी। सीओ राकेश नायक ने बताया कि थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई, क्या कहेंगे आप? ऊपर से निर्देश मिल रहा था कि यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, कुछ लोग जो है लिप्त हैं। फिर हम लोग सुबह 2 बजे से लगे थे तो 4 टालियां हम लोगों ने पकड़ लिया। फिर एक टाली का पीछा करते हुए हम लोग पलिया से यहाँ तक आए तो अपने घर पे गाड़ी ला खड़ा कर दिया और भाग गया। तो जब हम यहाँ पे पूरा चेक किए हम लोग तो करीब 500 टाली बालू पकड़ा गया। 4 टालियां हम लोग लेके थाने जा रहे हैं और इनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी न्यायसंगत की जाएगी। सर, गांव में घरों के बाहर कितने डंप बने हुए हैं? लगभग 500 टाली बालू यहाँ पे है। अब कौन इसके पीछे है उसका भी हम लोग पता लगाएंगे, कौन करवा रहा था, किसका हाथ है, सब कुछ सामने आ जाएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।